वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नाम तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा, नॉलेज एंटरटेनमेंट। मैंने आपसे हर बार मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस नॉलेज एंटरटेनमेंट इस यूट्यूब चैनल पर आपसे बातें करेंगे जिसमें नॉलेज भी होगी और एंटरटेनमेंट भी होगी, और ऐसा हर बार होता भी है। तो आज भी मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूं उसमें नॉलेज भी मिलेगी आपको और एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इस दुनिया की, और ये दुनिया अजीबो गरीब बातों से भरी पड़ी है। और ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लेकर मैं आपके सामने आ जा रहा हूं। जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं डेफिनेटली इन बातों को आप लाइक तो करेंगे ही और आप इन्हें याद भी रखना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप हमेशा से जानना चाहते हैं। ये वो बातें हैं जो मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से आज करने जा रहा हूं। तो बात शुरू करने से पहले एक बार अपना YouTube चैनल जो आपने खोल रखा है इस पर सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार यही बातें होने वाली हैं, बार बार अमेजिंग फैक्ट्स आएंगे, कभी आपके पास वैदिक मैथमेटिक्स आएगा, कभी बॉलीवुड की बातें आएंगी, कभी हेल्थ से संबंधित, कभी ब्रेन से रिलेटेड, कभी ब्रेन की फीड, तो कभी सिंपल मैथमेटिक्स और कभी मोटिवेशनल स्टोरीज, बहुत कुछ आने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हैं, आपको इस चैनल पर इस आज की वीडियो पर आगे लेकर चलते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं। आपको जानकर इस बात को बहुत हैरानी होगी कि जब 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, अलग अलग हुए दोनों देश, उसके बाद लगभग 10 महीने तक, जब तक कि पाकिस्तान की अपनी करेंसी नहीं बनी थी, तब तक पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बनकर जाती रही, और बकायदा उस करेंसी के ऊपर सेंटर में लिखा होता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साइड में जो एक खाली जगह थी व्हाइट, उसके ऊपर प्रिंटेड था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो 10 महीने तक पाकिस्तान में जो करेंसी चली वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यहां से छापकर, यहां से बनकर पाकिस्तान को दी गई। दूसरी बात, ये तो एक पहली बात थी, हैरानी आपको हो रही होगी लेकिन बातें आगे भी ऐसे ही आने वाली हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2011 में एक लेडी जिसका नाम था एमी डेविसन, उसने एक पेंटिंग खरीदी $10,000 में। अब आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं है बड़ी, $10,000 में पेंटिंग खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, पेंटिंग नहीं कही उसे आप, एक पीस ऑफ आर्ट कह सकते हैं, पीस ऑफ आर्ट खरीदा $10,000 में। लेकिन खास बात क्या थी कि जो वो पीस ऑफ आर्ट था दैट वॉज इनविजिबल, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, इनविजिबल पीस ऑफ आर्ट, और उसकी कीमत $10,000 यानी कि 6 लाख रुपए अगर आज इंडियन करेंसी में बात करें तो। और जब ये पीस ऑफ आर्ट, इनविजिबल पीस ऑफ आर्ट उनको दिया गया, तो उसका पहले तो उसका नाम बता दें, उस इनविजिबल पीस ऑफ आर्ट का नाम था फ्रेश एयर, जिसकी कीमत थी $10,000। और म्यूजियम के ओनर्स ने एमी डेविसन से यह वादा किया कि इस म्यूजियम के एक विंग का नाम आपके ऑनर पर, आपके नाम पर एमी डेविसन विंग रखा जाएगा। यह थी हमारी आज की दूसरी बात। तीसरी बात, सद्दाम हुसैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो सद्दाम हुसैन के बारे में आपके दिमाग में बहुत अजब सी, अजीबोगरीब तस्वीर होगी, एक खतरनाक खूंखार राजा जैसी, बिल्कुल सही है आप। लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक और भी दूसरा पहलू भी था जिंदगी का जिसे आप शायद नहीं जानते। सन 2000 में इराक से एक रोमांटिक नॉवल पब्लिश हुआ था, उस रोमांटिक नॉवल का नाम था जबीबा एंड द किंग, बिल्कुल ठीक सुन रहे आप, जबीबा एंड द किंग। और उस रोमांटिक नॉवल के राइटर थे सद्दाम हुसैन, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, सद्दाम हुसैन ने एक रोमांटिक नॉवल भी लिखा है अपनी लाइफ में, और उसका नाम है जबीबा एंड द किंग। एक और आपको अजीबोगरीब फैक्ट बताता हूं, अब बैंक रॉबरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि बैंक रॉबरी कभी कभी होती है, कभी हफ्ते में एक बार, या महीने में एक बार, या 2 महीने में एक बार, लेकिन अगर आपको सच्चाई बताई जाए तो औसतन एक दिन में इस दुनिया में 20 बैंक रॉबरीज होती हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, एक दिन में 20 बैंक रॉबरीज होती हैं,
और उसमें जो लूटा हुआ जो सामान है उसकी जो औसतन कीमत है वो है लगभग 172,100 रुपए। 172,100 रुपए औसतन लूट है इन रॉबरीज की, और एक दिन में 20 बैंक रॉबरीज। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं गलत बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। 20 बैंक रॉबरीज औसतन एक दिन में इस दुनिया में होती हैं। एक और अजीब गरीब बात करते हैं आपसे, चार बातें कर चुका हूं और ये पांचवी बात बता रहा हूं आपको मैं। पांचवी बात ये कि कॉकरोचेस, कॉकरोचेस से तो आपको बहुत डर लगता है और खास करके लेडीज को तो कॉकरोचेस से डर लगता ही है। कॉकरोचेस के बारे में एक बहुत अजीब गरीब बात यह है कि कॉकरोचेस की एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पर, आपके अर्थ पर, डायनासोर की एग्जिस्टेंस से भी 120 मिलियन ईयर्स पहले से है। 120 मिलियन इसका मतलब 120 और उसके बाद आप 6 लगा दीजिए तो 120 मिलियन ईयर्स पहले, डायनासोर से 120 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर कॉकरोचेस होते थे। डायनासोर आए, गायब हो गए, चले गए, लेकिन कॉकरोचेस आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। एक और फैक्ट बताता हूं आपको, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं। नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, आपने सुना होगा नाम मुसोलिनी का। ये तीनों बहुत बड़े लड़ाकू थे, बहुत बड़े विनर्स थे, बहुत बड़े इन्होंने लड़ाइयां की, जीती, लेकिन इन तीनों में एक कॉमन बात और भी थी कि इन तीनों को एक बीमारी थी जिसका नाम था एलुरोफोबिया, AILUROPHOBIA, एलुरोफोबिया। ये तीनों इस बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी। एलुरोफोबिया का मतलब होता है बिल्ली का डर। बिल्ली का डर इन तीनों के दिमाग में जन्म से ही था, और ये तीनों ऐसे देशों में रहते थे जहां पर बिल्ली को पालतू जानवर की तरह पाला जाता है, फिर भी ये तीनों एलुरोफोबिया नाम की इस बीमारी से पीड़ित थे। चलिए बात करते हैं एक और, आप ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो आप कहेंगे भाई ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक चीज है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल है, कोई झूठ नहीं इसमें, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से क्या कोई प्रॉब्लम सेटल हो सकती है? आप कहेंगे तो बड़ी अजीब बात है, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से एक डिस्प्यूट, एक लैंड डिस्प्यूट जो है वो खत्म हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक जगह थी जिसका नाम था न्यू मूर, या उसे साउथ तलपट्टी भी कहा जाता था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सन 2010 में वो जगह डूब गई, गायब हो गई, नो लैंड लेफ्ट, नो डिस्प्यूट। तो वो डिस्प्यूट जो था न्यू मूर का, वो खत्म हो गया, और खत्म किसने किया? ग्लोबल वार्मिंग ने। और आज की सबसे अजीबोगरीब बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज आखिरी में, ये है गाजर से संबंधित, कैरेट से। आप सुनकर हैरान होंगे कि जो गाजर है, जो कैरेट है, इसका रंग किसी जमाने में बैंगनी यानी कि पर्पल कलर हुआ करता था, ना ये प्लम्पी होती थी और ना ही ये स्वीट यानी कि मीठी होती थी बिल्कुल भी। 16वीं शताब्दी में जो डच फार्मर्स ने इसमें इंप्रूवमेंट की, ग्रेजुअली इसमें इंप्रूवमेंट हुई, और उनकी जो फार्मर्स की मेहनत थी वो रंग लाई, और धीरे धीरे जो गाजर है उसका रंग ऑरेंज हो गया, वो प्लम्पी हो गई और वो स्वीट हो गई, और यही स्वीट, प्लम्पी और ऑरेंज कलर की जो गाजर है ये आज आपको देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छी तो लगी रही हैं, इसीलिए आप सुन रहे हैं डेफिनेटली। और जिन्होंने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास आगे से भी इंफॉर्मेशन आती रहे कि इस चैनल पर नई वीडियोज आ रही हैं, और नई वीडियोज आने का मतलब है नई नॉलेज। और जमाना ऐसा है कि नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक टाइम था जब हम कहते थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन आज का समय है सर्वाइवल ऑफ द वाइजेस्ट, और वाइजेस्ट होने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, ढेर सी नॉलेज, और उसमें से कुछ नॉलेज आपको इस चैनल पर, नॉलेज एंटरटेनमेंट पर भी मिलने वाली है। तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।